While athletes plan to train abroad and get the services of foreign coaches to enhance their game, triple jumper Arpinder Singh has no such plans. While Vinesh Phogat had recently said Indian coaches are not good enough to produce Olympic champions, Singh doesn't believe it, saying Indian coaches have it all in them for bringing the best in any athletes. सच बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये साल है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा सा भी, और मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है और दो मेडल मिले हैं, काफ़ी इस साल बढ़िया ये मेरे लिए काफ़ी एक रहेगा, मोटिवेशन रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। और जो हमारा मेन टारगेट है वो तो 2020 रियो का है। जी मैम, अभी तो जैसे काफ़ी एक मतलब कॉन्फिडेंस में भी हूँ और परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी इससे भी करूँगा, बढ़िया करूँगा, क्योंकि अभी मेरा जो काफ़ी फास्ट हो रहा है, रिकवर कर रहा हूँ, जो भी मेरा टेक्निक है वगैरह और स्ट्रेंथ वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है अभी, तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा। टेक्निक तो मैम बहुत बड़ा रोल है, और टेक्निक जैसे मतलब ट्रिपल जंप में हर एक पार्ट की काफ़ी होती है ज़रूरत होती है, स्पीड है मेन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, टेक्निक है। आपको एक भी आपने फेस किया मिस किया तो पूरा आपका जो जंप है वो काफ़ी जाएगा, लॉस में जाएगा। आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप तो कोई सोचते हैं अभी अच्छे रिजल्ट के लिए, तो ऐसे हम जो हमारे कोच हैं काफ़ी बढ़िया से कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं हर एक चीज़ को, तो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई दिक्कत आने वाली है। मैम काफ़ी रहे मतलब चैलेंज रहे मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने क्या स्टार्ट किया था उस टाइम पता भी नहीं था क्या होता ट्रिपल जंप, धीरे धीरे सीखा, और मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग थी मेरी वो पन्नू को साहब थे, एसएस पन्नू, अभी द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए उनका नाम आया, तो वो भी काफ़ी मेरे लिए बढ़िया था, उन्होंने नेशनल टीम के साथ उन्होंने काफ़ी टाइम किया काम किया था, और उन्होंने मुझे बहुत सही से किया, गाइड किया, तो जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी बेटर रहा है। लंडन ओलंपिक्स तक मैं काफ़ी जूनियर था, और 6-2 मेरा उस टाइम का जंप था, और उस टाइम मैं काफ़ी जंग था, तो इतना कुछ उस टाइम तो इतना ज़्यादा सोचा नहीं था भी इतना मैं कर पाऊँगा क्वालिफाई कि नहीं कर पाऊँगा, तो 14 में थोड़ा सा मेरा जो परफॉर्मेंस था थोड़ा बढ़िया हो गया था, और 16 में रियो के लिए मैं एक साल जो अब्रॉड में किया, ट्रेनिंग किया लंडन में, तो उसमें से मेरी काफ़ी उन्होंने कर दी टेक्निक चेंज कर दी, तो मैंने ट्रेनिंग भी काफ़ी हार्ड किया उधर, बट क्योंकि आप 5-6 साल से एक ही करते आ रहे हो, ट्रेनिंग करते आ रहे हो, एक ही चीज़ करते आ रहे हो, तो 6-7 महीने में वो उसको करना चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो वही एक मेन बड़ा रहा है, रीज़न रहा है कि क्योंकि मेरा इतना जो परफॉर्मेंस डाउन जाने का कारण है वही है। मैंने तो अभी जैसे एक साल बाहर किया है, तो मुझे लगता है कि जहाँ तो आदमी परमानेंट उधर ही रहे 2 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए उधर ही रहे, क्योंकि हर चीज़ एक अडॉप्ट करने में हर चीज़ का एक समय है, कम से कम आपको चाहिए 2 साल चाहिए। आप कहीं सोचते हैं कि 1 महीने में आप जाके कुछ जादू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उधर का काफ़ी और भी चैलेंज है, आपको कुकिंग करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, और कोचिंग का काफ़ी टोटली हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो मैं अभी सोचता हूँ कि बाहर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है और जाना भी नहीं चाहता मैं, तो इधर रह के काफ़ी बढ़िया चल रहा है। जैसे जी मैं बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो इंडियन कोच के अंडर ही रही है, और आगे भी लगता है क्योंकि इंडियन कोच हमारे बहुत बेस्ट हैं, और फेडरेशन है जो और अब्रॉड से कोच लेके आ रहे हैं वो भी काफ़ी बढ़िया करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं कोच, और काफ़ी बढ़िया है, तो मुझे लगता है कि इधर हर एक चीज़ ईजी है, आपको नेशनल कैंप में हो, आपको कुछ खाने की कुछ दिक्कत नहीं है, रहने की कुछ दिक्कत नहीं है, तो हर चीज़ काफ़ी बढ़िया चल रही है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में रह के ट्रेनिंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सब कुछ तो मैं काफ़ी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और टेक्निक भी लगता है कि थोड़ा मेरा लास्ट लैंडिंग के लिए थोड़ा सा मुझे आ रही दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ में ही हम मतलब मेन करेंगे, काम करेंगे, तो वो जो मेरा थोड़ा सा जंप हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो ना हो।